اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلنا وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين तमाम तारीफों तो से अल्लाह शांति के अनाथ की जाते बाबरकार के लिए जो पूरी के अनाथ का खालिक और मालिक है, करोड़ मरतबा दरूद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकार पर कि जिनके लिए इस पूरी के अनाथ को तख्लीक किया गया, इस पूरी के अनाथ को सजाया गया। अब्दुल्सला तारीफ और तौसीफ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ाने गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह की दात का करोड़ों मरतबा शुक्र है कि रब्बे कायनात ने मुझे आप सबको रमज़ानुल मुबारक की आज इस आखिरी जुमा में अपने घर में आने की तौफीक नसीब की। दुआए मालिक के अनार हम सब का एक एक लम्हा अपनी बारगाह से कबूल करता है। रमज़ान मुबारक का महीना जो यकीनन बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना था, अल्लाह की तरफ से एक नेमत बन के आपके और मेरे पास तशरीफ लाया। जिस अंदाज के साथ और जैसे उस महीने का अदब और एहतराम करना चाहिए था, यकीनी बात है कि हम उस तरह का कदर एहतराम नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके जो भी हमने देखी अल्लाह की तौफीक से की, अल्लाह उनको कबूल फरमाएगा। आज रमजान मुबारक का आखिरी दिन है, कल ईद उल फितर होगी। तो अब मैंने और आपने इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि रमजान मुबारक को गुजर जाएगा, ये महीना इसका आखिरी दिन है, गुजर जाएगा, तो इसके बाद बाकी जो साल है, बाकी जो महीने हैं, वो हमने किस अंदाज के साथ गुजारे। पूरा महीना हमने रोजा रखा, पंचगाना नमाज का एहतमाम किया, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत की, रातों को जाकर अल्लाह को मनाने की कोशिश की, तरावी की सूरत में कुरान मुकद्दस को सुना, अल्लाह के जिक्र से अपनी जबानों को तर रखा। तो जब ये महीना अब आखिरी दिन है, तो इसके बाद हमने किस तरह की जिंदगी बसर करनी है। रमजान मुबारक जिसमें हम अल्लाह तआला के अनाज की बहुत ज्यादा इबादत भी करते थे और बहुत ज्यादा अल्लाह को याद भी करते थे, तो रमजान मुबारक का जो मकसद था, जिस मकसद के लिए मालिक के अनाज ने यह महीना हमारे पास भेजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के रमजान के रोजे रखने का जो मकसद है वो है कि तुम तकवा हासिल कर लो, तुम्हारे अंदर अल्लाह की ज़ात का खौफ पैदा हो जाए। अब मैंने और आपने गौर करना है, रोजे की हालत में तो हम बड़े तकवे वाले होते हैं, जब हमने रोजा रखा होता है खाना मौजूद होता है, लेकिन अल्लाह से खौफ होता है कि अगर एक लुक्मा भी खाएंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा। पानी हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन पानी का एक घूंट भी नहीं पीते कि अगर हम पानी का एक घूंट भी पिएंगे तो हमारा रोजा जो है वो टूट जाएगा। तो क्या तकवा की जो हालत रमजान मुबारक में अल्लाह ने हमें नसीब की है,
इसके बाद भी इसी तरह हमारा तकवा रहेगा। अगर तो हमारी हालत इसी तरह रहेगी, हमारे दिल में ये तकवा होगा, रमजान मुबारक में अल्लाह के हुक्मों से हलाल चीजों को छोड़ दिया था, और अब कोशिश करेंगे कि रमजान के अलावा अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया, जिन चीजों से खाके के अलावा उसके प्यारे महबूब ने मुझे और आपको कहा है कि ये हराम चीजें हैं, इनके नजदीक मत जाना, अगर रमजान के अलावा ये बात हमारे दिल में पैदा हो गई, हम अल्लाह की मना करदा चीजों को हमने छोड़ दिया, तो फिर तो यकीन समझेगा कि आपके रोजे भी कबूल होंगे और आपकी सारी इबादतें भी कबूल होंगी। लेकिन अगर तकवा हासिल ना हो, अल्लाह के तकवा को इस मकसद के लिए रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अपने रब की जात पर तकवा पैदा हो जाए, और एक जगह अल्लाह के कलाम से शायद पाए या अय्युहल लजीना आमनु तक्वल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून, कि ऐ ईमान वालों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही इतना डरो जितना उससे डरने का हक है, और फिर फरमाया वला तमूतुन्ना वअन्तुम मुस्लिमून, और ना तुम मरना इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान होकर पढ़ना है। और यहां से ये बात भी मालूम हुई कि जिस बंदे के दिल में तकवा होता है, जो अपना हर अमल हर काम सोच समझ के करता है कि मेरे मालिक ने इस काम को करने का मुझे हुक्म दिया है तो मैं करता हूं, अगर मेरे मालिक ने मुझे इस काम से रोका है तो जो रुक जाता है इसका मतलब है कि उसको मुबारक हो, वो जिंदगी में तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको ईमान वाली मौत अता करता है। और इस कैदात में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम उस बंदे को नसीब होता है जिसको अल्लाह ईमान सलामत नसीब करता है, जो सारी जिंदगी ईमान की सलामती के साथ गुजारता है, जब उसके आखिरी लम्हे होते हैं, जब उसकी मौत करीब होती है तो अल्लाह उसको ईमान की सलामती के साथ मौत देता है। तो रमजान मुबारक के बाद हमारी जो जिंदगी जो बाकी हमने 11 महीने गुजारने हैं वो इस अंदाज के साथ गुजारने हैं कि हमारे दिलों में तकवा हो, और जो बंदा तकवा इख्तियार करता है, जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो अपनी हर बात हर अमल हर काम ये सोच समझ के करता है कि मेरे मालिक कहीं मेरे समझ से नाराज ना हो जाए, तो जिस बंदे को मुबारक हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की राह निकालता है। ये कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जुमा है कि जो तकवा इख्तियार करता है, जिसके दिल में रब का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह उसको छुटकारे, मतलब ये कि दुनिया में भी उसकी जो मुसीबतें तकलीफें होती हैं अल्लाह उससे उसको निजात देता है, कल क़यामत वाले दिन में अल्लाह उसको कब्र की सख्तियों से, क़यामत वाले दिन की सख्तियों से महफूज करवाएगा। और आगे इनाम ये शायद फरमाया कि अल्लाह उसको उस जगह से रिस्क अदा करवाएगा जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होगा। तकवा से अल्लाह का इनाम हासिल होता है कि एक तो अल्लाह उसको दुनिया की और आखिरत की परेशानियों से महफूज कर देगा, और दूसरा रिस्क अल्लाह वहां से अदा करेगा जहां बंदे का वह गुमान भी नहीं होगा, ना उसको रिस्क की परेशानी होगी और ना दुनिया में कोई उसके पास तकलीफ आएगी, जिसको अल्लाह तकवा की दौलत अदा करवाएगा। तो हमने पहली चीज जिस पर कह रहना है, ये नहीं कि अब रमजान का महीना गुजर गया और अब जो अल्लाह की जात का डर था वो हमारे दिलों से खत्म हो गया, नहीं, रमजान के बाद रोजों की हालत में तो हलाल चीजों को रब के हुक्म से छोड़ दिया, कम अज कम अल्लाह ताला के नाम के जो बाकी 11 महीने हैं उन चीजों से अपने आप को पता रोक ले जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया,
जिन चीज़ों से अल्लाह ने बचने का हुक्म अता फरमाया है। तो ये प्रैक्टिस है मोमिन की कि रमज़ान और मुबारक के रोज़े उससे रखवाए जाते हैं ताकि उसके दिल में अल्लाह की ज़ात का तकवा पैदा हो। इसी तरह दूसरी चीज़ जो रब्बे के नाम इन रोज़ों का जो मकसद था, जो रमज़ान का महीना हमारी तरफ भेजने का मकसद है, वो ये है कि हम अपना इंसाब और जायजा लें कि हमने रमजान मुबारक को किस अंदाज के साथ गुजारा, कौन सा अमल हमने किस वक्त किया और अल्लाह की रजा के लिए किया था या दिखावे के लिए किया था, और जिस बंदे को अल्लाह ताला कहना ये कुवत और ये बात अदा कर देता है कि हर काम से पहले अपना इंतसाब करता है, जैसा देता है यकीन माने उसकी दुनिया जन्नत बन जाती है। बुजुर्गान ने देख लिया जिंदगी उठा के देख लें, सहाबा कराम की आप जिंदगी उठा के देख लें, हर अमल जो भी करते फौरन उसका इंतसाब करते। और बुजुर्गान ने दी जब वो नमाज पढ़ते तो नमाज के बाद बड़ी लंबी दुआएं मांगते। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे भी थे कि जोर की नमाज पढ़ी और फिर अपना इंतसाब करते कि मैंने फलां सजदा किया उस वक्त मुझे फलां चीज याद है, मुझे माफ कर दे मालिक, मेरी नमाजों को कबूल फरमा। और उन बुजुर्गों के जोर की नमाज पढ़ते असर की नमाज का वक़्त हो जाता और अपनी जोर की नमाज के बारे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। तो मैंने और आपने रमजान का ये जो कीमती लम्हे, ये जो कीमती घड़ियां हैं, ये नसीबों और कदरों के साथ जिंदगी में दोबारा नसीब होगा। दूसरी चीज जो हमने इस महीने से हासिल करनी है और जिसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, अपना एहसास करना है, अपना जायजा लेना है, और पूरी दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है कि वही अफराद और वही कौमें तरक्की और उरूज के रास्ते पर चलती हैं, वही अफराद और वही कौमें उरूज की तरफ चलती हैं जो अपने जान का जायजा और अपने आमाल और अपने अफाल का जायजा लेती। अगर हम दुनिया में ये बात अपने अंदर पैदा कर लें, नमाज पढ़ें, एहतसाब करें, जैसा लें, क्या मैंने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए नमाज पढ़ी है? क्या मैंने नमाज जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ी? क्या मैंने अपने रब की जब नमाज पढ़ी है तो मेरा दिल अपने रब की तरफ झुका हुआ था? तो जो बंदा दुनिया में अपना जैसा और एहतसाब करता है हर अमल पर, बात करता है फौरन जायजा लेता है मैंने गलत तो नहीं किया, अमल करता है फौरन सोचता है कि मैंने अमल किस वजह से किया है मैंने गलत तो नहीं किया। तो जिसको दुनिया में अल्लाह ये दौलत अता फरमा दे कि हर अमल पर अपना जायजा और इंसाफ करे, फिर क़यामत वाले दिन उसका हिसाब किताब आसान हो जाए। अगर दुनिया में मैं और आप अपना जायजा नहीं लेंगे, अगर अपना इंसाफ नहीं लेंगे, तो क़यामत वाले दिन याद रखें हमने अल्लाह की बारगाह में अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, अल्लाह ताला की कनात में पूछना है। फमैया अल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, दुनिया में तू छोटी से छोटी नेकी दर के भी किया होगा अल्लाह उसका अगर अदा फरमाएगा। फमैया अल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर दुनिया में तू छोटी सी छोटी बुराई वो भी करके गया होगा, क़यामत वाले दिन उसका भी तुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह उसकी सजा देगा। तो रमजान मुबारक का महीना जो जा रहा है, हमारे जिम्मे ये काम लगा के जा रहा है कि हमने जिस तरह रमजान मुबारक में अल्लाह की इबादत की, हम रोज जैसा लेना है कि हम कितना अपनी हमारी जिंदगी में तब्दीली आ गई है। रमजान में तो हम इतनी इबादत करते थे, अब इतनी कर रहे हैं। और तीसरी चीज कि अल्लाह ताला की कनार के मुकद्दस बाबरकत महीने में जो लोग रोजा रखते हैं, जो तरावी पढ़ते हैं, जो रात को अल्लाह की बारगाह में नवाफल पढ़ते हैं, जो खालिक कनार की मुकद्दस किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं,
और रोजे की हालत में हर ऐसी चीज से रुक जाते हैं जो रोजे को तोड़ने का सबब हो, तो उन चीजों की वजह से अल्लाह बंदे को एक सबर अदा करता है। अब रोजे की हालत में चूंकि रोजा होता है तो कभी कभी रोजा रखने के 4-5 घंटे बाद बंदे को बड़ी भूख लग जाती है, तो बंदा सबर करता है कि नहीं मैंने कोई भी चीज नहीं खानी जब तक के रोजे की इफ्तारी का वक्त नहीं होगा। और बंदा खाना खा रहा होता है, अचानक ख्याल होता है कि रोजेदारों सहरी का टाइम खत्म हो गया है, बंदे की भूख बाकी होती है, बंदे ने पानी पीना होता है, तो जैसे ही रात होता है बंदा सबर के साथ रुक जाता है और कोई भी चीज नहीं खाता। तो सबर रोजे का असल मकसद एक ये भी है कि हमारे अंदर सबर पैदा होता है। हम दुनिया में थोड़ी थोड़ी बातों पर जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ी सी बात होती है हम जज्बाती हो जाते हैं, हमारी तबीयतों में गुस्सा आ जाता है। लेकिन रमजान मुबारक का महीना हमें ये सिखाने के लिए आता है कि तुमने सबर करना है। और जो बंदा सबर का नाम थाम लेता है इनाम सौंपे, जो बंदा साबर बन जाता है तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लोग सताते हैं, लोग उसकी बात नहीं सुनते, लोग उसको बुरा मना करते हैं, लोग उसके रास्ते में रुकावट डालते हैं, लेकिन वो सबर का दामन अल्लाह की रज़ा के लिए थाम लेता है, किसी के सामने मुखालिफ बन के खड़ा नहीं होता बल्कि सबर करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए सबर करता है कि मालिक दुनिया वाले जो मुझे मर्जी कहे, मुझे तेरी जात का डर है और तेरी रज़ा के लिए मैं इन बंदों के साथ कोई मामला नहीं करूंगा। ये जाने का काम जाने, मैंने अपनी तबीयत में सबर पैदा कर तो इनाम सुनिएगा। अल्लाह क्या फरमाता है, जो बंदा सबर करता है, जो बंदा साबिर बन जाता है, लोगों की बातों पर गुस्सा नहीं करता, अपने जज्बात को नहीं बिगाड़ता, अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा सबर करता है कि साबिरीन के बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ, अल्लाह सबर करने वालों का दोस्त है, अल्लाह जो सबर करते हैं अल्लाह ताला की कायनात उनका वेली है। तो इस कायनात में उस बंदे से ज्यादा किस्मत वाला बंदा कौन होगा, उस बंदे से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदा कौन होगा कि उसको जब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तू सबर कर मैं तेरा साथी हूँ, दुनिया की कोई ताकत उस बंदे का नुकसान कर सकती है? दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो रब के साथ का मुकाबला करे? तो जिस बंदे को अल्लाह सबर अता फरमा देता है बहुत बड़ी नेमत है। हुजूर की जिंदगी देखें, आपकी सीरत के इब्तदाई में जब आपने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज फरमाया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, गड़े खोदे गए, नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदी ओझड़ी डाली गई, आपको अल्लाह की रिजा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़े, चाहे कि ये अल्लाह की तरफ से एक हिम्मत थी, लेकिन आपको उन्होंने तो वहां से मजबूर किया ना जहरी तौर पर कि आपने मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत की, लेकिन अल्लाह के नबी ने सबर किया, आपके सहाबा की जिंदगी उन्होंने सबर किया, औलिया इकराम की जिंदगी देख के सबर किया, और रमजान मुबारक के महीने में जब हम रोजा रखते हैं तो उसमें हमारे अंदर अल्लाह ताला की कायनात सबर पैदा करना चाहते हैं। अगर रमजान मुबारक के महीने के बाद हमारी तबीयतों में सबर पैदा हो गया तो समझ लें कि हमारा रमजान मुबारक का एक लम्हा कबूल है। लेकिन अगर रमजान मुबारक के बाद वही बेसबरी आ गई, हमारे मामला बिगड़ गए, नमाजें पढ़ते थे छोड़ दी, कुरान को गिलाफ में लपेट कर ऊंची जगह रख दिया कि साथ के बाद उसको खोलेंगे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे उसको छोड़ दिया जिक्र करने को, तो हमारे लिए ये बहुत अफसोस का मकाम है कि जिस मालिक ने ये रोजे इसीलिए हमें अदा किए थे ताकि हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाए, हम अपनी जिंदगी को सिराते मुस्तकीम पर चला सकें। तो जो बंदे रमजान मुबारक के महीने में सबर का दाम खाते हैं, अल्लाह फरमाता है इन अल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक
अल्लाह ताला की तादाद जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की तादाद की तरफ से ये तौफीक होती है हमारे दिलों में दूसरों के बारे में खैर खाई का जज्बा बढ़ जाता है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो रोज़ेदारों का रोज़ा इफ्तार कराता है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो रोज़ेदारों के लिए सहरी का एहतमाम करता है, जिसको मालिक ये तौफीक देता है वो उन लोगों को कुछ राशन मुहैया कर देता है ताकि ये रोज़े रखें और इनके लिए रोज़ा रखना आसान हो। आपस में प्यार मोहब्बत वाला मामला होता है। रोज़े की आदत में अगर कोई सख्त बात भी करे तो बंदा ये सोच के खामोश हो जाता है कि मैं रोज़े जो हूँ अगर मैंने इसका जवाब इसी अंदाज के साथ दिया तो मेरे रोज़े रखने का क्या फायदा है। तो खैर जाए के जज्बे की वजह से बंदा खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो ये जो खैर जाए का जज्बा है, कभी हम खाना खिला रहे हैं, कभी हम पानी खिला रहे हैं, कभी हम किसी की गलती को इस वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मुझे रोज़ा है, तो ये सिर्फ रमजान मुबारक में ही नहीं कि हमने खैर खाई करती है, रमजान के अलावा भी अगर अल्लाह ने आपको अता किया है तो आप भूखों को खाना खिलाया तो बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में इसका मफहूम ये है कि सबसे बड़ी नेकी है, सबसे अल्लाह को जो पसंदीदा अमल है वो ये है कि बंदा हर बंदे को सलाम करे चाहे उसको जानता हो या ना जानता हो। आजकल ये हमारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, हम उस बंदे को सलाम करते हैं जिसे हम जानते होते हैं, लेकिन हुजूर का फरमान है कि सबसे बड़ा अमल ये है हर बंदे उसको सलाम करें चाहे हम उसको जानते हो या ना जानते हो। ये बहुत बड़ी नेकी है। और फरमाया जो बंदा भूखों को खाना खिलाता है ये भी बहुत बड़ी नेकी है। और रमजान मुबारक के बाद इस जज्बे को भी कायम रखना है कि आपकी तबीयत में ये जो रमजान के महीने में खैर खाई का जज्बा था ये बाद में भी दूसरे महीनों में भी आपके अंदर मौजूद रहे, आप लोगों के लिए खैर खा बन जाए, लोगों की भलाई के लिए अमल करें, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए और किसी भी मुसलमान के अंदर मदद करने की आपको अल्लाह मौका दे तो अल्लाह खाली के अनार जो है इसका बहुत बड़ा अजर अदा फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन मुसलमान मेरा कोई सहाबी कोई अल्लाह का बंदा मेरे पास आए और उसको कोई परेशानी हो या उसका कोई मसला हो और मैं उसका मसला हल करने के लिए उसके साथ चला जाऊँ तो इस बात से बेहतर है कि मैं 10 साल मस्जिद नबी में इत्तेफाक करूँ, उसका सवाब थोड़ा होगा, मैं किसी अल्लाह के बंदे की खिदमत करूंगा मदद करूंगा उसका सवाब ज्यादा है। ये खैर खाई का जज्बा जो है ये रमजान मुबारक के महीने में हमें सिखाया जाता है कि इस महीने में जिस तरह हमारे अंदर खैर खाई पैदा होती है रमजान के बाद में हमारी तबीयतों में खैर खाई होती है। और इसी तरह अपनी जुबानों की हिफाजत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ईमान और इंसाफ के साथ रमजान मुबारक के रोजे रखे अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और फिर फरमाया कि जिसने रोजा रखा और अपनी जुबान को झूठ से ख्वाहिश से और गलत बातों से महफूज ना रखा तो फरमाया अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। तो रोजे रखने का एक मकसद यह है कि हम अपनी जुबानों की हिफाजत करें, अपनी जुबानों से झूठी बात ना करें। हम झूठ बोलते हैं शैतान राजी होता है, बंदे हम रहमान के हैं, कलमा हम ला इलाहा इल्लल्लाह होते हैं, उम्मती हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम इस जुबान से झूठ बोलते हैं जिस जुबान से हम कलमे का इकरार करते हैं, इस जुबान से हम अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिस जुबान से हम ये कहते हैं कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अपनी जुबानों की हिफाजत करते हैं, अपने जुबानों को झूठ से बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो
वो मकरूह हो जाएगा, सवाब में कमी आ जाएगी। असल में जिंदगी का मजा तब है कि इस रमजान में जिस तरह हमने अपनी जुबानों को महफूज किया, जिस तरह हमने अपनी जुबानों से गलत बात नहीं की, बाकी अब जो 11 महीने आ रहे हैं हम ये वादा करें अल्लाह की बारगाह में, तौफीक मांगे रब के साथ से कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा भी अपनी जुबान की हिफाजत करें, तब हमें जिंदगी में सुकून नसीब होगा और अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा और अल्लाह खालिक कायनात के इस मुकद्दस बाबरकत महीने में एक पैगाम जो हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह खालिक कायनात बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम अब तक खालिक कायनात ने पहुँचाया है, जिसकी बड़ी तहकीक है कि हम अपना ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत कर। आप देखिए रमजानों के बारे में हर जगह मसाजिद में तरावी की सूरत में कुरान मुकम्मल किया जाता है, किस वजह से, ताकि मेरे बंदों के दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाए। हर बंदा कोशिश करता है कि रोज़ा रखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को उठाकर उसकी तिलावत करता है ताकि मुझे अजर मिलेगा। तो रमजान मुबारक में भी इसका अजर है और बहुत ज़्यादा अजर है, लेकिन चूँकि कुरान रमजान मुबारक में ही नाजिल किया गया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान को सुनाया भी करते थे, सुना भी करते थे। तो रमजान मुबारक के बाद ये नहीं होगा कि हम कुरान को वादा करके रख देंगे कि बस अब दोबारा रमजान आएगा तो कुरान की तिलावत करेंगे। अल्लाह की कितनी मुकद्दस किताब है, एक तो अगर हम इसकी तिलावत करें, फरमाया जो एक अर्फ की तिलावत करता है अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता, और उलमा ने जो उसकी ये तफसीर भी अता फरमाई, तशरीह भी कर दी कि हरफ से मुराद ये जितना अलिफ लाम मीम, अब ये एक अरफ नहीं बल्कि 3 अरफ है, अलिफ अलहदा अरफ है, लाम अलहदा अरफ है, मीम अलहदा अरफ है। तो जो इतना पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अल्लाह खालिक के नाम उसको 30 नेकियां अता फरमाता। तो रमजान मुबारक में तो हम कुरान सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आज रमजान का अर्थ भी देते हैं, आज ये भी अल्लाह की बारगाह में तौफीक मांगे और वादा करके उठे कि हम कोशिश करेंगे कि मालिक अपनी बाकी जिंदगी को कुरान के साथ जोड़ के रखें। इतनी मुकद्दस किताब है, ज़बानी पढ़ोगे तो उसका काफ़ी सवाब है, देख कर पढ़ोगे तो उसका काफ़ी सवाब है। जो बंदा ज़बानी पढ़ता है उसको देख की एक मिलती है, जो देर की कुरान की तिलावत करता है अल्लाह उसको 2 नेकियां अता फरमाता है, 2 अजर अता फरमाता है, एक कुरान मुकद्दस की तिलावत करने का और दूसरा उसकी ज़ियारत करने का। और जिसको कुरान नहीं आता तो यूँ ना करे, मुझे तो कुरान आता नहीं इसलिए मैं कुरान नहीं पढ़ता, तुझे कुरान नहीं आता तो इतनी फजीलत वाली किताब है, इतनी अजर वाली किताब है कि जो बंदा सिर्फ इसकी बावजूद होकर ज़ियारत करता है अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाता है। तो ये रमजान मुबारक के आप विदाई दें, ये कोशिश करके आप ये सोच बना के जाएंगे कि जिस तरह हमने रमजान मुबारक में कुरान को बरकत किया, हमने कुरान को सुना, आप अपनी बाकी जिंदगी में भी इसी तरह कुरान मुकद्दस को सुनेंगे, इसके साथ मोहब्बत करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ताला के नाम ने आप पर करम फरमाया है, तो कुरान पढ़ के उस पर तदब्बुर भी किया करें, तफक्कुर भी किया करें कि अल्लाह हमसे यहाँ क्या इशारत फरमा रहा है। ये तो सिर्फ यूँ तो नहीं पता तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौम अद्दीन, अल्लाह कह क्या रहा है, अगर आप समझ सकते हैं, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोशिश किया करें कि एक ऐत पढ़ी उसका तर्जुमा पढ़ा करें, यकीन माने ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाए। जब आपका दिल चाहे ना कि अल्लाह खालिक कायनात मेरे साथ बात करे, तो कुरान पढ़ लिया करें, दिल में ये बात
رکھ لیا کرے کہ مالک اس سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی کلام ہے یہ اللہ نے اپنے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ذمہ حضرت بتا دی. ایک بزرگ فرماتے ہیں جنگل میں تھے، ان کے پیچھے لوگ رہ گئے، حضرت شہر میں آ جائیں، یہاں جنگل میں نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام کوئی سہولت نہیں، تو آپ واپس شہر میں آ جائیں، وہاں ہر قسم کی سہولتیں ہیں. تو وہ کہنے لگے دیا مجھے تو یہاں بڑی سہولتیں ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ میرے پاس تو ساری سہولتیں ہیں، جو سہولتیں دینے والی ذات ہے، میرا تعلق تو اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو جب قرآن پڑھیں گے تو دل میں یہ بات رکھا کرے کہ مالک خود میرے ساتھ بات کر رہا ہے. اور جو بندہ قرآن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اجر عطا فرمانے ہی فرمانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آتا تھا کبھی کبھار، سوال کرتا، حضرت عمر فاروق اس کو اس کے سوال پر اس کی مدد کر دیتے. ایک مرتبہ وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے غصے کی عادت میں تھے، تو آپ نے اسے ڈانٹا اور کہا اللہ کے بندے تجھے یہ کتنی بری عادت پڑ گئی کہ تم مارنے پہ لگ گئے، تو جا قرآن پڑھ، یہ مارنے کی عادت چھوڑ دو. وہ شخص چلا گیا. دو چار دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات یاد آئے، بڑے پریشان ہوئے، کہا یار میرے پاس اللہ کے حکم سے ایک بندہ آتا تھا، تو میں تو اللہ کی عطا کی اور رزق سے اس کو دیتا تھا، تو وہ بندہ کیوں نہیں آ رہا؟ بڑا پریشان ہو گیا، اس سے ناراض نہیں ہو گیا. کافی دن پریشانی ایک دن بازار میں گئے تھے، دیکھتا وہ بازار میں تو خریدا نہیں کر رہا تھا. آپ دوڑ کے اس کے پاس گئے، اس کو بلایا، کہا یار مجھے معاف کر دینا، اس دن میں نے تجھے ڈانٹا تھا، اس سے کی حالت میں تجھے میں نے اپنے گھر سے واپس بھیج دیا تھا. تو اس شخص نے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یا حضرت آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میں تو مانگنے والا تھا، در در میں مانگتا تھا، کبھی کسی سے مانگ رہا ہوتا تھا، کبھی کسی کے سامنے جھولی پھلا کے بیٹھ پڑتا تھا، کبھی کسی کے سامنے میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا تھا. اے عمر، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے کہا تھا کہ قرآن پڑھ، جب سے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، میں خود بھی صحیح استطاعت ہو گئی، میری اپنی ضروریات بھی پوری ہو گئی ہے اور میں لوگوں کو تقسیم بھی کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا کیا. لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا ایک وقت نکالتا ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر دی ہے، تو اللہ خالقی کے نام برکتیں اور رحمتیں کو عطا فرماتے ہی فرماتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور اللہ کا مقدس و بابرکت مہینہ جو کہ آج ہمارے پاس آخری دن کا مہمان ہے، آج وہ آخری گھڑیاں ہیں جب ہم اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں. آج کا وہ پیکج کا آخری دن ہے کہ جب ہم ایک فرض پڑھیں گے اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، ایک نفل پڑھیں گے اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ پیکج کا آج آخری دن ہے، جنہوں نے اس مقدس مہینے میں روزے رکھے، اللہ کی توفیق سے تراویح پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، دعائیں خالقی کے نام ان کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نیکیاں زیادہ نہ کما سکے، روزے نہ رکھ سکے، تراویح نہ پڑھ سکے، نمازوں میں وقت ہوگی، قرآن کی تلاوت میں وقت ہوگی، تو ان کے لیے آپ اسی وقت بھی وقت ہیں کہ رمضان کے ساتھ کے دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں.
अगर आदम तौबा कर लेते हैं, अल्लाह बड़ा करीम है। एक बंदे की फितरत है, एक बंदा किसी बंदे को 100 मरतबा कोई उसके काम आ जाए, कोई चीज मांगने के उसने 100 मरतबा उसको दे दी, आखिरी मरतबा उससे किसी वजह से वो चीज या वो काम ना हो सका, तो बंदे की फितरत ये है कि उसने 100 को बुला लेना। किसने तो 100 मरतबा मेरे साथ इंसान किया था, उसने इस बात को सामने लेकर यार कैसा बंदा है मेरा, इसने काम ही नहीं किया, हालांकि यार 100 मरतबा उसने तेरा काम किया, तो आज हो सकता है किसी वजह से ना कर सका हो। तो ये बंदे की फितरत है, अगर दूसरी तरफ मालिक है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुनाह लेकर अल्लाह की बारगाह में आ जाओ और भरोसे नियत के साथ एक मरतबा कह दो या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, यकीन माने अल्लाह की जात इतनी करीब जात है, अपने बंदों के साथ इतनी प्यार करने वाली जात है, अल्लाह पिछले गुनाहों को नहीं देखता, अल्लाह ये देखता है कि मेरे पास आ गया है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से कि मैंने इसके गुनाह माफ कर, उसके नामाबाद से गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और फिर जितनी खुलूस नियत के साथ जितनी मोहब्बत के साथ वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अगर उसकी तौबा वाले को पसंद आ जाए, इनाम सुनिएगा, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब के अंदर जुर्म है, गलतियां हैं, बुराइयां हैं, चाहे हम माने या ना माने, तो जो अल्लाह की बारगाह में खुलूस नियत के साथ आंसू बहा के तौबा करता है और अल्लाह को उस बंदे की तौबा पसंद आ जाती है, गुनाहगार होता है, बड़े बड़े गुनाह होते हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी बारगाह में रजू किया है, उसने तौबा की है, ऐ फरिश्तों इसके गुनाहों को मिटा दो, जितने बड़े बड़े गुनाह हैं उनकी जगह इतनी बड़ी बड़ी नेकियां ले लो। अल्लाह इतना अपने बंदों से प्यार करता है। तो आज रमजान मुबारक का आखिरी दिन, आखिरी जुमा, हमने कोशिश कर ली है कि एक तो रमजान मुबारक का मकसद यह था कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, कोशिश करनी है कि तकवा की दौलत को अपने सीनों में जगह लेनी है, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, और दूसरी चीज अपना इंसाफ और जायजा लेना है, हर अमल करके देखना है कि अमल मैंने किस लिए किया है, अल्लाह की रजा के लिए किया है या दुनिया के दिखाने के लिए किया है, और अपने अंदर सब्र पैदा करें। अगर आप अपने अंदर सब्र पैदा करेंगे तो अल्लाह आपका साथी हो जाएगा, अल्लाह आपका मददगार हो जाएगा, आपको फिर दुनिया की किसी ताकत की जरूरत नहीं, दुनिया में तो चांद रोजा होते होते हैं, जब होता है आपका काम हो जाएगा, जब होता चला गया आप फिर कहाँ जाएंगे, जिसके अलाद का मालिक है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी दरख्त नहीं हिल सकता, आपने अल्लाह ताला के अनाज के हुक्मों के मुताबिक अपनी तबीयत में रमजान मुबारक के सदके से सब्र को पैदा करना है, बेसब्री को खत्म करना है, और इसी तरह अपने साथ को अपने आप को कुरान के साथ जोड़ना है, कुरान की तहरीर खुद भी हासिल करनी है, कुरान की तिलावत खुद भी करनी है, उस पर तफक्कुर भी करना है, तदब्बुर भी करना है, और कोशिश करनी है कि अपनी औलादों को कुरान के साथ जोड़े, कुरान की मोहब्बत उनके सीनों के अंदर पैदा करें, जब आप कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला की तादाद आप पर दिल बुरा रातों का रजूल कर पाएगा, खैर खाई का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह की मखलूक के साथ उसने सलूक करें, दूसरों को एहतराम दें, हुज़ूर ने फरमाया कि वो हम में से नहीं तो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, तो ये खैर खाई का जज्बा है जो आपसे उम्र में बड़ा है, किसी ओहदे में बड़ा है, किसी भी अंदाज से अगर वो आपसे आगे है तो आप उसका कदर एहतराम करने के लिए कंजूसी ना करें, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म समझ के खैर खाई के जज्बे के साथ बड़ों का अदब एहतराम करें, छोटों के साथ शफ़क़त करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपनी जुबान को जोर से, गीबत से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से और ऐसे जुमलों से कि जिनसे तकब्बुर हो। चंद रोज़ा जिंदगी है, हम सब अल्लाह की ज़ात के मोहताज हैं, अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हमारा सांस रुक जाएगा,
सब कुछ दुनिया का यहाँ रह जाएगा, हम एक मैयत बन जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा जल्दी करो, इसको दफन करो, कहीं इससे बदबू ना पैदा हो जाए। तो जो जिंदगी है अपनी जुबान की हिफाजत के साथ और आजी और इंसानी के साथ गुजारें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करने में देर ना करें। अल्लाह ने तो कुरान पाक में इशारा फरमाया था कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो नोट डाल करो इस सारे के सारे, ये नहीं कहा कि जिन्होंने गुनाह किए वो तौबा करें, जो नेकोकार है वो तौबा ना करें। अल्लाह ने गुनाहगारों का भी भरम रखा है और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सारे के सारे जमीया इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। क्यों? तुम मोमिन नहीं हो, और अगर तौबा करोगे दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, कब्र में भी अल्लाह अपनी खसूसी रामतों का नजूर फरमाएगा और कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह अपनी खसूसी रामतों से नवाजेगा। तो इस चीज़ को अपनी तबीयत में शामिल करें कि हमने रमजान मुबारक को जिस अंदाज के साथ गुजारा, जो नेकियाँ दी उनमें अब हम मुस्तकिल तौर पर कोशिश करेंगे कि हम उन नेकियों को करते रहें। मस्जिदें रमजान मुबारक के बाद भी खुली रहेंगी, किसी को शायद ये शाखों में ताला लग जाएगा, ये अल्लाह का 24 घंटे आपके लिए होता है। तो जितनी मोहब्बत के साथ रमजान मुबारक में आपने टाइम दिया, वक्त दिया, अल्लाह को कोशिश करनी है कि जितना हो सके दुनिया में भी जा रहे हैं, कारोबार भी करते हैं, लेकिन जो अल्लाह के बजगाना नमाज फर्ज है तो फर्ज का इंतजाम करना है, सुबह और वक्त हो तो कुरान की तिलावत करनी है। अल्लाह करके जनाब हम सबको मिली।